of class 5th. In my previous video, I have explained you till question 9. So let's see our question 10, which is based on Indian numeral system, Hindi counting, मतलब हिंदी गिनती. तो हिंदी गिनती में मैंने आप लोगों के लिए लिखी है 1 से लेके 10 तक. तो ये होता है 1, इसको हिंदी में कहते हैं 1, और ये इस तरह से लिखा जाता है. ये होता है 2, इसको हिंदी में कहते हैं 2, और ये इस तरह से लिखा जाता है. ये होता है 3, इसको हिंदी में कहते हैं 3, ये इस तरह से लिखा जाता है और ये इस तरह से दिखता है. ये होता है 4, इसको हिंदी में कहते हैं 4, ये इस तरह से लिखा जाता है. और ये होता है 5, इसको हिंदी में कहते हैं 5, इसको या तो इस तरह से या इस तरह से लिखा जाता है. ये होता है 6, इसको हिंदी में कहते हैं 6, ये इस तरह से लिखा जाता है. ये होता है 7, इसको हिंदी में कहते हैं 7, ये इस तरह से लिखा जाता है. और ये होता है 8, इसको हिंदी में कहते हैं 8, और ये इस तरह से लिखा जाता है. ये होता है 9, इसको हिंदी में कहते हैं 9, या ये इस तरह से या इस तरह से लिखा जाता है. ये होता है 10, इसको हिंदी में कहते हैं 10, ये इस तरह से लिखा जाता है. ये हो गई हमारी 1 से लेके 10 तक हिंदी काउंटिंग. अब एक एडिशन है, 10th क्वेश्चन में एक एडिशन करके बताती हूँ. जैसे ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये है 8, तो ये है 8, और ये क्या है, ये है, ये देखिए ये क्या है 4, जो हिंदी में क्या कहेंगे 4, तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो एक यहाँ पे कैरी है और एक दो नीचे है, तो ये 1 और ये 2 हो गए 12, ठीक है. अब ये क्या है, ये है 6, जिसको हिंदी में कहते हैं 6, 6 को हिंदी में कहते हैं 6, तो ये है 6, और ये है क्या है, ये देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, और ये क्या है 5, इसको हिंदी में कहते हैं ये है 5, इसको हिंदी में कहते हैं 5, और ये इस तरह से लिखा जाता है. तो ये क्या है, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, और एक कैरी का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो एक यहाँ कैरी, दो यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है. और अब ये क्या है, ये है देखिए ये कैसा दिखता है, और ये क्या है 5, इसको हिंदी में क्या कहेंगे 5, तो ये है 5, और ये क्या है, ये है 3, इसको हिंदी में कहेंगे 3, तो ये देखिए इस तरह से लिखा जाता है, और ये है 3, तो 5 3 कितना होता है 8, और एक कैरी का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये है 9, 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे. और ये है क्या है, ये कैसा दिखता है, ये है, और ये क्या है 2, इसको हिंदी में क्या कहेंगे 2, तो ये है 2, और ये क्या है देखिए ये इस तरह से है, तो ये क्या है 4, इसको हिंदी में कहेंगे 4, तो ये 2 2 प्लस 4 कितना हुआ 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, ठीक है. तो ये आंसर क्या हुआ, 6922. आई होप तुम लोगों को समझ में आया. इसके लिए तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि 1 को लिखा और समझा कैसे जाता है. ये 1 को इस तरह से लिखा जाता है और ये इस तरह से दिखता है. इस रफ नोटबुक में 1 से लेके 10 तक काउंट गिनती प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, और आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करें. आगे 10th क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसे करें.